गाइस तो बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस फैन फेस्ट हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यूई का एंड रॉक एंड रोमन के में से बहुत बड़ा र्यूमर अपडेट आई है। सोलो सिकोवा की ऑफ ईयर से वीडियो आई है आउटसाइडर से एंड गाइस हमारे बॉबी लैशली की फाइनली जो फैक्शन होने वाली है उसका नेम पता चल चुका है। तो ये सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई भी अपडेट डब्ल्यू से रिलेटेड मिस ना कर सको। तो फर्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी गाइस बॉबी लैशली से। बॉबी लैशली आपको पता रिलीज़ हो चुके हैं, वो जा चुके हैं किसी और प्रमोशन में एंड TNA या AEW दोनों में से किसी एक में जाएंगे एंड मुझे लगता है ज़्यादा TNA में जा सकते हैं। और माना जा रहा है कि वो MVP के साथ मिलकर न्यू फैक्शन बिल्ड कर सकते हैं और फैक्शन का नाम होगा हर्ट बिजनेस से ही रिलेटेड, हर्ट सिंडिकेट हो सकता है। बिकॉज सेम नहीं बना सकते ना फैक्शन, सेम फैक्शन मेड नहीं कर सकते। तो गाइस उन्होंने हर्ट सिंडिकेट बना सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप की फैक्शन होगी। जैसे आपको पता है AEW फैक्शन है अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंगडम, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो थी वो WWE की थी लेकिन हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंगडम बना दी, लेकिन उसका लता ही कचरा कर दिया भाई फैक्शन का। तो वही चीज़ बना सकती है WWE की तरह बॉबी लैशली जाके कहीं और भी। एंड गाइस आई डोंट नो, बॉबी लैशली जो है पूरी तरह फुल्ली पैक्ड है कि मैं कुछ भी करने वाला हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर किसी ने मुझे रिलीज़ कर दिया है। तो गाइस ये सोच अच्छी है बॉबी लैशली की, अगर उन्हें रिलीज़ कर दिया तो वो ये रो नहीं रहेगी हाँ मुझे रिलीज़ कर दिया, तो वो किसी और प्रमोशन में जा सकते हैं, किसी और रेसलिंग कंपनी में जा सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है हमारी WWE से। WWE ने फैन फेस्ट किया जिसमें वो फैन से मिल रहे थे एंड गाइस बहुत से फैन से मिले। LA Knight, Rey Mysterio ऑन गया। गाइस ये रॉ और नेटफ्लिक्स का है, तो गाइस यहाँ पे मतलब आपको बहुत से सुपरस्टार देखने को मिलेंगे। LA Knight, Bianca Belair, Triple H, CM Punk ने तो एक बच्चे को उठाया, उन्हें बच्चा पकड़ाया किसी ने अपना और वो ऊपर उठा के उन्होंने लाइन किंग वाला सीन भी किया। एंड गाइस हमारे ड्रू मैकइंटायर ने तो भाई CM Punk के नाम का सिग्नेचर करा और उन्हें गाली बकी, तो भाई साहब बंदे की फ्यूड भी नेक्स्ट लेवल जा रही है, सब कुछ नेक्स्ट लेवल हो रहा है। और ये वाला एक बहुत अच्छा सेगमेंट था, बहुत अच्छा मटेरियल था जो WWE फैन फेस्ट करती है ना, जैसे फैंस से मिलती है, फैंस की विशेस पूरी करती है, वो चीज़ की। एंड गाइस में रेम स्टूडियो भी थे। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी हमारे रॉक वर्सेस रोमन के मैच से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेम एडसन ने ये कहा है कि जब मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पे जाएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मैच देखने को मिल सकता है। बिकॉज ऑफ रीज़न कुछ टाइम के लिए हमारे रॉक जो होंगे वो एक्टिव सुपरस्टार, तो गाइस माना जा रहा है कुछ टाइम के लिए रॉक एक्टिव सुपरस्टार रहेंगे क्योंकि नेटफ्लिक्स पे जा रही है मंडे नाइट रॉ एंड बहुत कम दिन रह गए हैं, 30 दिन से भी कम रह गए जब आपको नेटफ्लिक्स पे मंडे नाइट रॉ देखने को मिलेगी। एंड गाइस कंटेंट पूरा चेंज हो जाएगा क्योंकि कंटेंट 80+ हो सकता है गाइस, ये माना जा रहा है कंटेंट इज राइट नाउ 80+। 80+ कंटेंट हो सकता है और WWE 80+ कंटेंट कर सकती है बिकॉज WWE को पता है कि कंटेंट कैसे बनाना है। नेटफ्लिक्स जो है बिल्कुल ही ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 80+ से लेकर रूथलेस से लेकर ब्रूटल कंटेंट हर चलता है, तो गाइस इतना भी मतलब नहीं जाएगी WWE मुझे लगता है, लेकिन WWE करेगी कंटेंट में। एंड गाइस डे मैटसन ने ये कहा है कि रॉक शुरुआती दिनों में रहेंगे एक्टिव मंडे नाइट रॉक पे। देखो गाइस बाकी गाइस नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी जे ऊसो से। जे ऊसो ने अपने मतलब अंकल को ट्रिब्यूट दिया, उनका मैच था गुंथर के अगेंस्ट एंड गाइस वो गुंथर के अगेंस्ट मैच उन्होंने दिया एंड इस मैच में जीत तो सकते नहीं थे, तो गाइस उसके बाद वो हार गए एंड वो डेमियन प्रीस्ट के साथ थे, तो उन्होंने मतलब ट्रिब्यूट दिया अपने अंकल को रॉक एंड रोमन के मैच से। तो गाइस रॉक एंड रोमन का मैच को ड्रैग किया नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ रीजन इनका मैच रेसलमेनिया में हो सकता है एंड ब्लड लाइन की जो स्टोरी चल रही है उसमें मुझे लगता है फाइनल बॉस जो होने वाले वो रॉक होने वाले आई थिंक लग रहा है। और फाइनल बॉस जो है रॉक हैं वो गाइस जब आएंगे एंड वो सब सिखाएंगे रोमन रेंज को एंड रेसलमेनिया 41 में इनका मैच हो सकता है, इवन सोलो वर्सेस रोमन का भी हो सकता है, तो ये डेव मेल्टर का कहना है। बाकी देखो यार ये ड्रैग नहीं होगा मैच, तो देखो कहाँ तक ये चीज़ जाती है और ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन कहाँ तक जाती है। बाय द वे ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है और WWE इसमें इतना इन्वेस्टेड है इसे नेक्स्ट लेवल लेके जाने वाली। और तो और गाइज WWE जो फर्स्ट बैंगर शो होने वाला नेटफ्लिक्स वहाँ पर रोमन रेंज को भी रखेगी या रोमन रेंज का कोई मैच रख सकती है, पॉसिबली ये चीज़ हो सकती है। एंड गाइज ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि WWE ये चीज़ जो है ना मोल्ड करने वाली स्टोरी को, ऐसी स्टोरी लाइन बनाने वाली ना, आप इमेजिन नहीं करोगे यार ये भी हो सकता है और ये भी हो। तो गाइस हमारी लास्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी है सोलो सिकोवा से। सोलो सिकोवा ऑफ ईयर थे, मतलब बाहर जा रहे थे, तभी गाइस उन्हें एक फैंस कह रहे थे कि तू तो भाई ट्राइबल चीफ है नहीं, रियल ट्राइबल चीफ है नहीं, कौन है तू भाई, तू तो ऐसे ही आ गया। तो उस पर उन्होंने मुंह बना के मतलब ऐसे कर दिया कि भाई कौन हो तुम,
मैं रियल ट्राइबल चीफ हूँ, जेकब फाटो भी देखने को मिले, सारे देखने को मिले। और यहाँ से ये वजह रहा है कि ट्राइबल चीफ की स्टोरीलाइन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, नेक्स्ट लेवल जाने वाली है, खतरनाक होने वाली है, बेस्ट लेवल पे फॉर्म्ड होने वाली है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।